यूहन्ना की इंजील बाब अव्वल। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, यह गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर न था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे न पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि यह वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल व फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार न किया बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें, तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा एलिय्याह नबी ने कहा है बयाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूँ कि तुम खुदाबंद की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू न मसीह है, न एलिय्याह, न वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। यह बातें यरदन के पार बैतनियाह में वाकई हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यह वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इसराइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। चुनांचे मैंने देखा और गवाही दी है कि यह खुदा का बेटा है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से दो शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ऐ रब्बी, यानी ऐ उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे, यानी उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये दसवें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमून पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमून से मिलकर उससे कहा कि हमको खिरतुस यानी
मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमून है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बासिंदा था। फिलिप्पुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पुस ने कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपने तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनेल ने उसको जवाब दिया, ऐ रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा है कि तुझको इंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया है? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तो उनसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। बाब दोम। फिर तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, अय औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मशकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता न था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी निकाला था जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने कानाए गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसके माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहाँ चंद रोज रहे। यहूदियों की ईद फसल नजदीक थी और यीशु यरूशलम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सर्राफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सर्राफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर न बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा कि तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस मुकद्दस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मुकद्दस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मुकद्दस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। जब वो यरूशलम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार न करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत न रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। बाप 3। फरीसियों में से एक शख्स निकोदिमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है,
क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ न हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकुदमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकुदमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बयाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है, और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए, और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालियम के नजदीक एनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाना में डाला न गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ऐ रब्बी, जो शख्स यर्दन के पार तेरे साथ था जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से न दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं, मगर उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, मगर दूल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है दूल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई, जरूर है कि वो बड़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन ही से है, और जमीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मुहर कर दी कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को न देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। बाप चार। फिर जब खुदाबंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द
करता और बपतिस्मा देता है। गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। तो वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस किला के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था और याकूब का कुआं वहीं था। चुनांचे यीशु सफर से थका मादा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शीश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदाबंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं न प्यासी हूँ न पानी भरने को यहाँ तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। यह तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे और न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे प्रस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने न कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ऐ रब्बी, कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। बस शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि इस पर यह मिसल ठीक आती है कि बोने वाला और है काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए।
और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए उस पर ईमान लाए। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरखास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चुनांचे वो दो दो रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब से और भी बहुतेरे ईमान लाए और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिर हकीकत दुनिया का मुनजी है। फिर उन दो दिनों के बाद वो वहां से रवाना होकर गलील को गया क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। बस जब वो गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया इसलिए कि जितने काम उसने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे उन्होंने उनको देखा था क्योंकि वो भी ईद में गए थे। बस वो फिर कानाए गलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया था और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे दरखास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम न देखो हरगिज़ ईमान न लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ऐ खुदावंद मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ते ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल सातवें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था तेरा बेटा जीता है और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मौजजा है जो यीशु ने यहूदियों से गलील में आकर दिखाया। बाप 5। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पजमुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शफा पाता उसकी जो कुछ बीमारी क्यों न हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है उसने कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सबत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सबत का दिन है तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर, लेकिन जो शिफा पा गया था वो न जानता था कि कौन है क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो न फकत सबत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है।
इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता, वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी अख्तियार बख्शा, इसलिए कि वह आदमजाद है। इससे ताज्जुब न करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उनकी आवाज सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास पयाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम निजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था और तुमको कुछ अरसा तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हुआ, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने के लिए दिए, यानी काम जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसकी आवाज सुनी है और न उसकी सूरत देखी, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमको जानता हूँ कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है, नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? ये न समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है, यानी मूसा, जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है। क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे? बाप 6। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिपुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें? मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिपुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी न होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमून पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस
वो मर्द जो तखमीनन 5,000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टोकरों को जमा करो ताकि कुछ जाया न हो। चुनांचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे कि जो नबी दुनिया में आने वाला था फिर हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास न आया था और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगीं। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। बस वो उसे कश्ती पर चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती न थी और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार न हुआ था बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाद छोटी कश्तियां तिब्रियास से उस जगह के नजदीक आई जहां उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है न उसके शागिर्द तो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए और झील के पार उससे मिलकर कहा, ऐ रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजे देखे बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत न करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मुहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देख कर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बयाबान में मन खाया और चुनांचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें न दी लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदाबंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा न होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल न दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो न दूं बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। बस यहूदी उस पर बड़बड़ाने लगे इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं ही हूं। और उन्होंने कहा, क्या यूसुफ का बेटा यीशु नहीं जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि आपस में न बड़बड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे, जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है।
یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہاں کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی مجھے جو کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ یہ باتیں اس نے کفرنہم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہیں، اس لیے کہ اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے۔ یسوع نے اپنے جی میں جان کر میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں ان سے کہا، کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پھر یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پترس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے۔ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ باب 7۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیا میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی۔ بس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو کر یہودیوں کو چلا جاتا کہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ بس یسوع نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہے۔ دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے، اس وقت وہ بھی گیا، ظاہرہ نہیں بلکہ گویا پوشیدہ۔ بس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے، اور لوگوں میں اس کی بابت چپکے چپکے بہت سی گفتگو ہوئی۔ بعض کہتے تھے وہ نیک ہے، اور بعض کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کے بابت صاف صاف نہ کہتا تھا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ بس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے
تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراضگی نہیں۔ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا، تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، تجھ میں تو بدروح ہے، کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو، اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں ختنہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے، اور تم سبت کے دن آدمی کا ختنہ کرتے ہو۔ جب سبت کو آدمی کا ختنہ کیا جاتا تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، تو کیا مجھ سے اس لیے غصے ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو بالکل تندرست کر دیا؟ ظاہر ہے کہ موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ تب بعض یروشلمی کہنے لگے کہ کیا وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے؟ لیکن دیکھو یہ صاف صاف کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے، کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سچ جان لیا کہ مسیح یہی ہے؟ اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے۔ بس یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ بس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، مگر بھیڑ میں سے بہتےرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے؟ فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چپکے چپکے یہ گفتگو کرتے ہیں، بس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے۔ یسوع نے کہا، میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا، تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ یہودیوں نے آپس میں کہا، یہ کہاں جائے گا کہ ہم اسے نہ پائیں گے؟ کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا؟ یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے؟ پھر عید کے آخری دن، جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیئے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ بس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا، بے شک یہی وہ نبی ہے، اوروں نے کہا، یہ مسیح ہے، اور بعض نے کہا، کیوں، کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ بس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا، اور ان میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ بس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں۔ نکومدس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے ان کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا، کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔ باب 8۔ پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے، اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں، بس
तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह न करना। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ जाता हूँ। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता, और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारे तौरात में भी लिखा है कि दो आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है, एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। उन्होंने उससे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे बाप को, अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कहीं और किसी ने उसको न पकड़ा, क्योंकि अभी तक उसका वक्त न आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे, जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। बस यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूँ, तुम दुनिया के हो मैं दुनिया का नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान न लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ। वो न समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्न आदम को ऊंची पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बहुतेरे उस पर ईमान लाए। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम के नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के यहाँ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि हमारा बाप तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अब्राहम के फर्जंद होते तो अब्राहम कैसे काम करते? लेकिन अब तुम उस जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। अब्राहम ने तो ये नहीं किया था। तुम अपने बाप कैसे काम करते हो? उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आप से नहीं आया
बल्कि उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है? यीशु ने जवाब दिया कि मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता, हाँ एक है जो उसे चाहता और फैसला करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को न देखेगा। यहूदियों ने उसे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझमें बदरू है। अब्राहम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा न चखेगा। हमारा बाप अब्राहम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूं। और अगर कहूं कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा, मगर मैं उसे जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूं। तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। बाब 9। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि न इसने गुनाह किया था न इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोख, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है कि हौज में धोले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगना करता था? बाज ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हमशक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूँ। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि वो शख्स ने जिसका नाम यीशु है, मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोख में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वो सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूँ। बस बास फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सबत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज ने कहा कि गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजे दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है। लेकिन यहूदियों को यकीन न आया कि अंधा था और बीना हो गया है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे न पूछ लिया कि क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था? फिर वो अब क्यों कर देखता है?
उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है और न ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो तो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप कह देगा। यह उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाने से खारिज किया जाए। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालिग है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा के तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि आदमी गुनहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं, एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब बीना हूँ। फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली। उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने न सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, यह तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हैं। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से न होता तो कुछ न कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तो तू बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ तो हमको क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदाबंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने कहा, ऐ खुदाबंद, मैं ईमान लाता हूँ, और उसे सिजदा किया। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार न ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। बाब 10। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से भेड़खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है, लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे न जाएंगी बल्कि उसे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो न समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी न सुनी। दरवाजा में हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक, भेड़िये को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और प्रागंदा करता है। वह इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है।
और वो मेरी आवाज सुनेगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। इन बातों के सबब से यहूदियों में फिर इख्तलाफ हुआ। उनमें से बहुतेरे तो कहने लगे कि उसमें बदरू है और वो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो। औरों ने कहा, ये ऐसे शख्स की बातें नहीं जिसमें बदरू हो, क्या बदरू अंधों की आंखें खोल सकती है। यरूशलम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डवाडोल रखेगा, अगर तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते, मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफ्र के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन न करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन न करो मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर यर्दन के पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा, और बहुतेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने कोई मौजदा नहीं दिखाया मगर जो कुछ यूहन्ना ने इसके हक में कहा था वो सच था, और वहाँ बहुतेरे उस पर ईमान लाए। बाब 11। मरियम और उसकी बहन मरथा के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदाबंद पर इतर डालकर अपने बालों से उसके पांव पोछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे यह कहला भेजा कि आए खुदाबंद, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मरथा और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं दो दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदियों को चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते, अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है, लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। बस शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहाँ न था, ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस तोमा ने जिसे
तो आम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासले पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, अय खुदाबंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी न मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ अय खुदाबंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। यह कहकर वह चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देख कर के मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना न कर सका कि यह आदमी न मरता? यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, अय खुदाबंद, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा न था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। बस बहुतेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। बस सरदार काहिनों और फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह आदमी तो बहुत मौजे दिखाता है, अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रूमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। और उनमें से काइफा नाम एक शख्स ने जो उस साल सरदार काहिन था उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और न सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे न कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा, और न सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के परागंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। बस उस वक्त से यीशु यहूदियों में एलानिया नहीं फिरा, बल्कि वहां से जंगल के नजदीक के इलाके में अफ्राइम नाम एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा। और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और बहुत लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। बस वो यीशु को ढूंढने और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो ईद में नहीं आएगा? और सरदार काहिनों और फरीसियों ने हुक्म दे रखा था
कि अगर किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है तो इतला दे ताकि उसे पकड़ लें। बाब 12। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आज से खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया। उसने ये इसलिए न कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास न रहूंगा। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहाँ है न सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदाबंद के नाम से आता है और इसराइल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसे कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें न समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजजा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहां उसका पैरो हो चला। जो लोग ईद में प्रस्तुत करने आए थे उनमें बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिपुस के पास जो बैतसैदा है गलील का था आकर उससे दरखास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिपुस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि वक्त आ गया कि इब्न आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सफल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ। ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुँचा हूँ। ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, औरों ने कहा कि फरिश्तों उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा कि आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूं। लोगों ने उसको जवाब दिया कि हमने शरीयत की ये बात सुनी है कि मसीह अबद तक रहेगा, फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्न आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है। ये इब्न आदम कौन है? बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो, ऐसा न हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो।
यीशु यह बातें कह कर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया। और अगर उसने उनके सामने इतने मौजे दिखाए तो भी वो उस पर ईमान न लाए, ताकि ऐसा नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि ऐ खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। इस सबब से वो ईमान न ला सके कि ऐसा ने फिर कहा। उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा न हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रुजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। ऐसा ने यह बातें इसलिए कही कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया। तो भी सरदारों में से भी बहुतेरे उस पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार न करते थे, ता ऐसा न हो कि इबादत खाने से खारिज किए जाएं, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। यीशु ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पे ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में न रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल न करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम में ने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है, बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूँ। बाप 13। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुँचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इबलीस शमऊन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जान कर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा, उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने न पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे न धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते के उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन यह इसलिए है कि यह नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूँ ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी नस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीना की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तो वो किसकी नस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा कि ऐ खुदाबंद, वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया, और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम न हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। क्योंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाज ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो नवाला लेकर फिलफूर बाहर चला गया, और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्न आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफूर जलाल देगा। ऐ बच्चो, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा। यीशु ने जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बाग न देगा जब तक तू तीन बार मेरा इनकार न कर लेगा। बाप 14, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदाबंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने? यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदाबंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, तो क्यों कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई का रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि न उसे देखती और न जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर न देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। क्योंकि मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे
कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने बाप को उस पर जाहिर करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, अय खुदाबंद, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर जाहिर किया चाहता है मगर दुनिया पर नहीं? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकून करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल न घबराए और न डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो। इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते हैं, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया है ताकि जब हो जाए तो तुम यकीन करो। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें न करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलें। बाप 15। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम न रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे।
अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे, लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं न आता और उनसे कलाम न करता तो वो गुनहगार न ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का उज्र है नहीं। जो मुझसे अदावत रखता है, अगर मैं उनमें वो काम न करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए तो वो गुनहगार न ठहरते, मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी। लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई का रूह जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। बाप 16, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ, और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने न बाप को जाना न मुझे। लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था, और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए न कही कि मैं तुम्हारे साथ था, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं न जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास न आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझी से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझी से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा कि ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि ये क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहा कि क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची, लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे तमसीलों में कही, वो वक्त आता है कि फिर तुमसे तमसीलों में न कहूंगा, बल्कि साफ साफ तुम्हें बाप की खबर दूंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरख्वास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा है और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ,
फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। उसके शागिर्दों ने कहा, देख अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि क्या तुम अब ईमान लाते हो? देखो वो घड़ी आती है बल्कि आ पहुंची कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। बाप 17। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनांचे तूने उसे हर बशर पर अख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया, वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचाया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूँ और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ। ऐ कुद्दूस बाप अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा मैंने तेरे उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक न हुआ ताकि किताब मुकद्दस का लिखा हुआ पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुँचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले बल्कि ये कि उस शरीर से उनके हिफाजत कर जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा और उनकी खातिर मैंने अपने आप को मुकद्दस करता हूँ ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीले से मुझ पे ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वो भी हम में हों और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। ऐ बाप मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हूँ, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। ऐ आदिल बाप दुनिया ने तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। बाब 18।
यीशु यह बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ कद्रून के नाले के पार गया। वहाँ एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशालों और चरागों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थीं जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो। उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया मैंने उनमें से किसी को भी न खोया। बस शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मिलखुस था। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझको दिया क्या मैं उसे न पीऊं? तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार काहिन काइफा का ससुर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। और शमौन पतरस यीशु के पीछे हो लिया और एक और शागिर्द भी, ये शागिर्द सरदार काहिन का जान पहचान था और यीशु के साथ सरदार काहिन के दीवान खाना में गया। लेकिन पतरस दरवाजे पर बाहर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार काहिन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। उस लौड़ी ने जो दरबान थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। नौकर और प्यादे जाड़े के सबब से कोयले दहकाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। फिर सरदार काहिन ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैंने दुनिया से अलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में, जहां सब यहूदी जमा होते हैं, तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमाचा मार कर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बधा हुआ सरदार काहिन काइफा के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उन्होंने उसे कहा कि क्या तू भी उसके शागिर्दों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। जिस शख्स का पतरस ने कान उड़ा दिया था, उसके एक रिश्तेदार ने जो सरदार काहिन का नौकर था कहा कि क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्र ने बांग दी। फिर वो यीशु को काइफा के पास से किला को ले गए और सुबह का वक्त था, और वो खुद किला में न गए ताकि नापाक न हो बल्कि फसह खा सकें। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अगर ये बदकार न होता तो हम इसे तेरे हवाले न करते। पिलातुस ने उससे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपने शरीयत के मुआफिक इसका फैसला करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारें। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तारीख की तरफ इशारा करके कही थी। बस पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया कि क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया, तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं।
اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ پلاطس نے اس سے کہا، بس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں۔ جو کوئی حق سے ہے میری آواز سنتا ہے۔ پلاطس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فصح پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ بس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں لیکن برابا کو، اور برابا ایک ڈاکو تھا۔ باب 19۔ اس پر پلاطس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے، اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی، اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب، اور اس کے تماچے بھی مارے۔ پلاطس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطس نے اس سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، صلیب دے، صلیب۔ پلاطس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور صلیب دو، کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ جب پلاطس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا، اور پھر قلعہ میں جا کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے جواب نہ دیا۔ بس پلاطس نے اسے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مسلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اس پر پلاطس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چلا کر کہا، اگر تو اس کو چھوڑے دیتا ہے تو قیصر کا خیرخواہ نہیں، جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ قیصر کا مخالف ہے۔ پلاطس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس جگہ کو جو چبوترہ اور عبرانی میں گپتا کہلاتی ہے تخت عدالت پر بیٹھا۔ یہ فصح کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کا قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ بس وہ چلائے کہ لے جا اسے صلیب دے۔ پلاطس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو صلیب دوں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا کہ قیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ اس پر اس نے اس کو ان کے حوالے کیا تاکہ مسلوب کیا جائے۔ بس وہ یسوع کو لے گئے، اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتہ ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور دو شخصوں کو صلیب دی، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری، یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابوں کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی، لاطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ بس یہودیوں کا سردار کاہنوں نے پلاطس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر چار حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بنسلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر قرعہ ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر قرعہ ڈالا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلنی کھڑی تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔
और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि ये नबिश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जोफे की साख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरखास्त की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत के दिन सलीब पर न रहें, क्योंकि वो सबत एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगे तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगे न तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफूर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नबिश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी न तोड़ी जाएगी। फिर एक और नबिश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। इन बातों के बाद अरमीतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यूसुफ का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकुमदिस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 शेर के करीब मुर और ओद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बाइस यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। बाब 20। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमून पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदाबंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुक कर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर न गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं, और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को न जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए एक को सराहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदाबंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागवान समझकर उससे कहा, मैं अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जबान में कहा, रब्बूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे न छू क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही।
پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا، پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان بارہ میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے تمام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ آٹھ روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ باب 21۔ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا، شمعون، پترس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو قانائے گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے، اور اس کے شاگردوں میں سے دو اور شخص جمع تھے۔ شمعون پترس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا بچو، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ پس انہوں نے ڈالا، اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ اس لیے اس شاگرد نے، جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پس شمعون پترس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے، کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا، اور جھیل میں کود پڑا، اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ یسوع نے ان سے کہا جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ شمعون پترس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں میں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا آؤ کھانا کھا لو، اور شاگردوں میں سے کسی کو جرات نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا تو میری بھیڑوں کی غلبانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے،
इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीत रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़े चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था कि ऐ खुदावंद, तेरा पकड़वाने वाला कौन है। पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, इसका क्या हाल होगा। यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द न मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये न मरेगा, बल्कि ये कि अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या। यह वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इनको लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश न होती।